किसान आंदोलन में जैसे हम कल भी दिखा रहे थे कि डॉक्टर जा रहे हैं, तो आज वकील वर्ग जो है वो भी सिंगो बॉर्डर जा रहे हैं। मेरे साथ पानीपत के वरिष्ठ वकील हैं, आपके ऊपर बोझ डाल दिया तिरंगा हाथ में देकर और पूरा मतलब आप लेके जा रहे हैं जन आंदोलन, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से और सारे साथियों की तरफ से आज किसान आंदोलन में जा रहे हैं और हम तन मन धन से इस किसान आंदोलन के अंदर समर्थन करते हैं और जो भी हमारी ड्यूटी किसान आंदोलन में हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो लगाएंगे उसको हम पूरी करेंगे। और किसानों का जो ये आंदोलन है ये एक का नहीं 36 जाति का आंदोलन है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से आग्रह करते हैं कि वो आँखें खोल ले और इन काले कानूनों को वापस ले ताकि इस जनता के साथ कोई अन्याय ना हो, यही मैं कहता हूं। जय हिंद। साहब इमरजेंसी जैसे हालात हो रहे हैं, पत्रकार बोले तो उसको अंदर कर दिया जाता है, आम पब्लिक बोले तो उसको अंदर कर दिया जाता है, ये तो इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। इमरजेंसी में तो कम से कम लोग अपने आप की बात कह सकते थे, ये तो इससे ज़्यादा तो क्या है। सारे विदेशों के अंदर, सारे संसार के अंदर आज हमारे देश की बदनामी हुई है, ये सारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अब भी समय है, अब भी वो अपनी आंखें खोल लें और किसान आंदोलन को समाप्त करवाकर इन तीनों काले कानूनों को वापस ले ताकि देश में शांति और अमन व भाईचारा बना रहे। लगता जिदा धार्मिक रंग दिता जा रहा है 26 तारीख तो बाद एक समाज को जरा टारगेट किया जा रहा है, हुन आंदोलन तेज हो रहा है। वेखो जी, ये जानबूझ के किसान आंदोलन धक्का लाने वास्ते मोदी सरकार के गुंडे गए, उन्होंने ये उदड़ मचाया और यदी वजह करके किसान कुछ धक्का लगा सी, लेकिन उस तो बाद फिर जिहड़ा ये अंदोलन है उस तो दूना चौना होकर उभरिया है तो उभरता रहेगा। मोदी सरकार मैं बेनती करांगा कि ये हर किसान की आवाज़ सुने और ये तीन कानून जिहड़े कि किसानों के उत्ते थोपे जा रहे हैं, जिहड़ा किसान चाहता ही नहीं है उन्होंने क्यों दिता जा रहा है, फिर इन्हों वापस करने तो मोदी सरकार नू की नुकसान है, ये क्यों नहीं दसते की नुकसान है, क्यों नहीं ये वापस करते, ये वापस करे, ये जो वापस करने तो बगैर कोई राह नहीं है। इस अगर कानून किसान के हक बनाने ने तो ये वापस करके नवी कमेटी बना के किसानों की एक्सपर्ट की ओपोजिशन की और सरकार की सारे नुमाइंदे पा बेच रच के वो किसान के हक जिहड़ा वो कोई कानून बने उन्हूं बनाया जाए। मोदी साहब की अपनी पार्लियामेंट के अजे मोह मत है, दो तीन साल अजे रहिंदे ने, ये दो साल डेढ़ साल जो कहते हैं कि असी पोस्टपोन कर दें, इनू लागू नहीं करते, ये दो साल के अंदर अंदर पोस्टपोन ना करन, इनू खाली करन ते नवा कानून बना के नवे कानून बनाने वास्ते कमेटी बनाण, वो दो साल के अंदर अंदर रिपोर्ट दे देगी। फिर भी मोदी सरकार दे कोल है कि उहदी बहुमत है, वो मोदी सरकार अपने बहुमत के नाल वो जिहड़ा किसान कहण किसानां दी कमेटी बने वो उहनां दे हक च होवे, वो कानून लिया के देन ते मोदी सरकार दी बल्ले बल्ले होएगी। इहदी जिद छड्ड देण अपनी कि ये कानून वापस नहीं होणगे, जिहड़े कह रहे ने बार बार कि किसानों के हक च ने, ये बिल्कुल किसानों के हक च नहीं, ये जनता के खिलाफ ने, किसानों के खिलाफ है नहीं हैं। अगर किसान हैं तो जनता देश ये खुशहाल होएगा, किसान खुशहाल है तो देश महान है, अगर किसान ही ना रहा तो देश भी ये नहीं रहेगा। इंटरनेट बंद करना कहाँ तक ठीक मानते हो कि एक आम नागरिक की आवाज़ दबाई जाती है? इंटरनेट से हम आपस में मैसेज कन्वे करते थे कि क्या चल रहा है, मोदी सरकार ने नेट बंद करके एक पूरी की पूरी इस आंदोलन को विफल करने की कोशिश की है। जैसे एक पर्टिकुलर कौम को खालिस्तानी बोला गया, उसी प्रकार जब टिकैत जी को उठाने के लिए टिकैत जी के छोटे भाई नरेश जी ने बताया था कि भैया हम उठ जाएंगे शाम तक, लेकिन इन्होंने धक्केशाही करने की कोशिश की। प्लानिंग के तहत इन्होंने क्या किया, पहले वहाँ पे अपने गुंडे खड़े किए, उसके बाद पुलिस बुला ली, पुलिस नरेश राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार करती, उसके बाद वहाँ पे मारपिटाई होती और एक सिंगू बॉर्डर पे या टिगरी बॉर्डर पे या साझापुर बॉर्डर पे एक मैसेज दिया जाता कि हमने पीट पीट के इन देशद्रोहियों को उठाया, लेकिन हम देशद्रोही नहीं हैं, हम अनाज खाते हैं, हमारे 10 घर में से हर 10वें घर से एक शहादत दी जाती है, हमारे बच्चे 10वीं क्लास में होते हैं उसके बाद भर्ती की तैयारी करते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, हम लोग तिरंगे से लिपट के आने का अपना प्राउड समझते हैं, तो इसलिए हम सभी के सभी। और पानीपत, पानीपत बार एक ऐतिहासिक बार है, आज यहाँ से हम एक इस मंच से एक ऐलान करने जा रहे हैं कि जो भी
केस लगेगा किसी भी किसान भाई पे, हम जो भी किसान भाई पे मुकदमा लड़ेगा हम फ्री में लड़ेंगे, उनको हर तरह का साथ देंगे और मीडिया से पत्रकारों के लिए हम साथ खड़े हैं। पत्रकारों से डरने की, पत्रकारों को सरकार से डरने की जरूरत नहीं, हम पत्रकार बिल्कुल साथ हैं पत्रकारों के। जैसे मंदीप भाई को गिरफ्तार किया गया जिस तरह से उतानाशाही दिखाई गई, कल को आप जैसे, मैं कहता हूँ मीडिया संघ को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये गोदी मीडिया, गोदी मीडिया नहीं है, वो देशद्रोही मीडिया है, टुकड़े टुकड़े करती है, दूसरों को टुकड़े टुकड़े बोलती है। हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं और मीडिया से धन्यवाद भी करते हैं कि कुछ पत्रकार बिल्कुल, उनको पता है कि हमें एक दिन में दो दिन में उठा लेंगे और जेल में भी डाल देंगे, लेकिन वो फिर भी बेखौफ होके हमारी मीडिया ना आवाज़ दिखा रही है। लेकिन कुछ पत्रकार है बेचारे, लेकिन बहुत से पत्रकार हैं जिनके परिवार भी है, कुछ काम धंधे भी हैं, उनको उस ढंग से ब्लैकमेल करके उनको उठा रहे हैं, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। बहुत कम पत्रकार हैं जो दिखा पा रहे हैं, जो आत्मा से तो जुड़े हुए हम सच्चाई दिखाएं, लेकिन वो सच्चाई दिखाने के लिए भी झूठ तो, झूठ में तो सब डरते हैं, लेकिन सच्चाई दिखाते हुए उनको डरना पड़ रहा है। धन्यवाद है बहुत बहुत। इससे ज्यादा निकम्मी नकारा सरकार आज तक नहीं आई थी। किसान लोग जो इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री उनके लिए एक शब्द नहीं निकालते हैं, लेकिन अमेरिका में जब जाके लोग मरते हैं प्रधानमंत्री उनके लिए ट्वीट करते हैं, उनके लिए शब्द निकालते हैं। आपके देश के किसान 170 करीब मर चुके हैं, लेकिन आपके मुँह से एक आ नहीं निकली है। आपका बार बार यही काम है, पश्चिम बंगाल इलेक्शन पे ध्यान देते हैं, कभी उसी इलेक्शन पे ध्यान देते हैं। अरे दिल्ली में आपके वहाँ से जहाँ पे आपका प्रधानमंत्री आवास है वहाँ से 30 किलोमीटर पे किसान बैठे हैं, आपसे उनसे नहीं मिला जाता, आप जाके पश्चिम बंगाल में रैली करते हैं। रोज़ की रोज़ हमारे पत्रकार साथी जो बेचारे सच्चाई के साथ रहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। इससे ज़्यादा बुरा हाल देश में आज तक नहीं हुआ था, एमरजेंसी से भी बुरे हालात आज देश के अंदर लागू कर दिए गए हैं। युवाओं में रोष है, जैसे कि अब रोज जो है लोग अपनी निजी गाड़ियों से जा रहे हैं। युवाओं में तो सरकार ने ही रोष पैदा किया हुआ है। हम तो ये कहेंगे कि ऐसी निकम्मी सरकार आई है कि जो भाईचारे को तोड़ने का काम कर रही है। भाईचारा, पहले हम जब छोटे होते थे हमें ये नहीं पता होता था कि हाँ कौन किस जाति का, किस बिरादरी का है। हमें सिर्फ यही, हमारे संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सारे अनेक हैं पर फिर भी एक है, पर ये सरकार हम सबको तोड़ना चाहती है, अलग करना चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से यही विनती करना चाहूँगा सरकार से कि एकता, हमारी जो एकता और अखंडता है उसको तोड़े ना। जैसे मंदीप पत्रकार को उठा लिया गया, पत्रकारों में रोष है, बड़े मीडिया हाउस उस चीज़ को भी नहीं दिखा रहे कि पत्रकारों को क्यों उठाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, इसमें एक तो चीज़ है, हर चीज़ की जो सतह थी उससे नीचे जाते जा रहे हैं। ये जो सरकार का रवैया है, एक राकेश टिकैत ने जिन्होंने कार्य भी नहीं किया था ना, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली, भाई हाँ सारे किसान आए तो मेरे भाई थे, मैं उनकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और प्रधानमंत्री ने एक बार भी या किसी ने भी जिनके साथ वो झंडा फहराने वाले खड़े थे, क्या इतनी नैतिकता, वो ये बोलते कि जिन्होंने झंडा फहराओ मेरे साथ थे, मेरे आदमी थे। दूसरी बात, जो आज मेरा वकील परिवार पानीपत बार एसोसिएशन श्री शेर सिंह खरब जी और उनकी साथी अगर टीम सारी यहाँ पहुँची, मैं इनका हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं मेरे परिवार, क्योंकि मेरा परिवार वकील परिवार भी है, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मैं आश्वासन भी देता हूँ शेर सिंह को, अकबी जितना कार्यकाल रहेगा मैं कभी भी दोनों चैप्टर है समाज सेवा और एडवोकेट, ये दोनों ना तो इकट्ठे होने दूंगा, दूसरी बात ना वकालत को बदनाम होने दूंगा। और संवैधानिक पद पे संविधान की मर्यादा को रखते हुए इतना कार्यकाल है, उसके मान सम्मान को रखूंगा, वकालत के उसको मान सम्मान को रखो बनाए रखूंगा, संविधान के द्वारा जो हमें ताकत दी गई है आंदोलन करने की उन ताकतों पर चलूंगा। और ये मैं आश्वासन देता हूँ, इस वकालत के प्रोफेशन को भी बदनाम नहीं होने दूंगा और समाज सेवा को भी, समाज सेवा को भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो वकील जो है पानीपत बार के वकील हैं, आज दिल्ली रवाना हो रहे सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन को तेज करने के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Colors to your love ache, life will be shining, you'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, sapno
से बेहतर कल पाइट संस्कृति स्कूल एट कलर्स टू योर लर्निंग पाइट संस्कृति स्कूल योर लाइफ विल बी शाइनिंग. अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में. ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी. केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं. गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सीआरटी का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं. पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है. पहले दिन से आराम आना शुरू. हमारा पता है हाउस नंबर 9 गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत. मोबाइल नंबर 8168310885.